नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजस्थान समाचार। चले शाम की ताजा और बड़ी खबरें जानते हैं। आज से मोचा तूफान का भारी अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि रविवार में बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक चक्रवात बन सकता है। यह चेन्नई और आसपास के क्षेत्रों में तूफान में बदल सकता है। इसका नाम मोचा है और इसके एक दो दिनों में और खतरनाक होने की संभावनाएं जताई जा रही है। चक्रवात की वजह से न सिर्फ देश के पूर्वी हिस्सों में बारिश होगी बल्कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के अगले 4 दिन तक मौसम खराब रह सकता है। मछुआरों को अगले 4 दिनों तक समंदर से दूर रहने की सलाह दी है। मोचो 7 मई को पश्चिम बंगाल व उड़ीसा में असर दिखाएगा और 8 और 9 मई को इसकी तीव्रता बढ़ने का अनुमान है। अगली बड़ी खबर आ रही है कि बूंदी शहर में एक प्रेमी जोड़े को प्यार करना महंगा पड़ गया। दोनों को बातचीत करता देख प्रेमिका के परिजन आग बबूला हो गए और उन्होंने प्रेमी युवक को जमकर पीटा। बाद में उन्होंने युवक के बाल भी काट दिए। मारपीट देख आसपास के लोग भी वहां आ गए, उन्होंने युवक को छुड़ाया। अगली बड़ी खबर आ रही है, गहलोत बोले अमित शाह से 10-15 करोड़ लेने वाले हमारे विधायक पैसा वापस लौटाएंगे। उसमें करोड़ 2 करोड़ खर्च कर दिए हैं तो मैं AICC दिलवा दूंगा। अगली बड़ी खबर आ रही है कि भारत सरकार ने आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम और ऑटोमोबाइल की वारंटी की रक्षा के लिए राइट टू रिपेयर पहल शुरू की है। इसकी मदद से आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम और ऑटोमोबाइल जैसे कार और बाइक की अपनी मर्जी से किसी भी थर्ड पार्टी वर्कशॉप पर मरम्मत करवा सकते हैं और आपके डिवाइस या वाहन की वारंटी खत्म नहीं होगी। सरकार ने इसके लिए पोर्टल भी लॉन्च किया है। अगली बड़ी खबर आ रही है, रेसलर के समर्थन में खापू की चेतावनी। भारतीय महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी के लिए पहलवानों का दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना आज 15 दिन भी जारी है। जंतर मंतर पर देश भर की खापों की पंचायतों की महापंचायत हुई। इसमें WFI अध्यक्ष ब्रजभूषण की गिरफ्तारी के लिए 11 मई तक का अल्टीमेट समय दिया है। अगली बड़ी खबर आ रही है, दौसा में भाजपा के नव नियुक्त जिला अध्यक्ष डॉक्टर प्रभुदयाल शर्मा ने पार्टी प्रदेशाध्यक्ष CP जोशी के निर्देश पर जिला कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। कार्यकारिणी में 3 उपाध्यक्ष, 3 महामंत्री, 7 जिला मंत्री और 2 कोषाध्यक्ष बनाए गए। इसमें आधे से ज्यादा पदाधिकारियों को दोबारा कार्यकारिणी में शामिल किया गया है। अगली बड़ी खबर आ रही है, वादा निभाने 10 मई को राजस्थान आएंगे PM मोदी। राजस्थान में चुनावी साल शुरू होने के साथ ही सियासी दौरों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। 10 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान दौरे पर आ रहे हैं। मोदी सबसे पहले नाथद्वारा में भगवान श्री नाथ जी के दर्शन करेंगे। अगली बड़ी खबर आ रही है कि 10 विभागों में 15,000 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी निकली है। राजस्थान समेत देश भर में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए शानदार मौका है। केंद्र और राज्य सरकार के 10 विभागों में 15,000 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसके लिए 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट कर चुके उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। इसमें राजस्थान हेल्थ डिपार्टमेंट में 7,020 पदों पर भर्ती निकली हैं, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में 212, गुजरात हाईकोर्ट में 1778, होमगार्ड के 1500 पदों पर, इसरो में 92 पदों पर भर्तियां की जाएगी। दोस्तों, ये थी शाम की ताजा और बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरें जानने के लिए अभी करें राजस्थान समाचार को सब्सक्राइब।